मेरी प्यारी आटो रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम। आप लोग कौन हो भाई? परमात फाटक, कुमार खिड़की, शशि पलंग, आदेश कुर्सी। आप लोग जात के सुतार हो क्या? जात को गोली मार, धंधे की बात कर। ऑटो बेचता है क्या? ओ, आप लोग भी ऑटो खरीदने आए? और नहीं तो क्या? नहीं नहीं, नहीं आप लोग की शक्ल देख रहे ऐसा लगा कि आप लोग ऑटो खरीदने नहीं छीनने आए। दोनों ही बातें हैं। सस्ता बेचेगा तो खरीद लेंगे, महंगा बेचेगा तो छीन लेंगे। बोल क्या बोलता है? देखो भाई, लेने वालों का तो जी नहीं भरता। गाड़ी आपके सामने है, जो वाजिब हो दे दो। 5,000। 5,000? क्या बैलगाड़ी है ये? ठीक है, एक काम करते हैं, बगल में केशव दरवाजा रहते हैं ना? हाँ हाँ, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ। वो जैसा कहते हैं वैसा तो ठीक है ना? ठीक है, ठीक। चलो 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 चलो। हाँ चलो। लेकिन हम बकरा गया। राम राम केशव बापू। राम राम भगवान बापू। नमस्ते राम बापू। केशव बापू, हमने एक ऑटो का सौदा किया है। शाबाश शाबाश। कितने में? 5,000 में। 5,000? अरे 5,000 में तो लॉरी आती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुर्सी स्टैंप पेपर ला। अरे आप दलाल हैं या डाकू? अंगूठा ले इसका। क्या अंगूठा लगा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख बे ऑटो वाले, अभी तेरा अंगूठा मांगा है, बाद में तेरा हाथ मार लेंगे। चल यार लगा। अरे जबरदस्ती है। अरे पैसे भी तो दे। अरे कैसे पैसे यार, ऑटो तो पैसे ही है। अरे ऑटो के ही पैसे दिए, ले दे के यार। कर रहे आप लोग, मैं गलत बात है, देखिए मैं बता रहा हूं, ये गलत बात है। सामने गली दिख रही है ना तुझे, सीधे तेरे घर को जाती है, समझा ना? वो गली से ऐसे निकल ले जैसे इधर कभी आए नहीं। देखो बता, चले। वाह क्या माल है। कौन हो तुम? लड़की है। वो तो हम भी देख रहे हैं मेरी जान, मगर तुम इन नरगिसी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? क्या बताओ, मेरी माँ मर गई है और भरी जवानी में मैं सड़क पर आ गई हूँ। मतलब तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई? कैसे होती, सरकार 18 बरस से पहले शादी कहाँ होने देती है। क्या अभी तुम 18 की भी नहीं हुई हो? 18 की तो मैं आज हुई हूँ। मेरी माँ तो कल मर गई थी, काश वो आज मरती तो उसके जीते जी मैं किसी छेले का हाथ पकड़ लेती। हाय मैं किसका हाथ पकड़ू? एक बात कहूं? तो देखो, जो तुम कल नहीं पकड़ सकी उसे आज पकड़ लो। जी हमारा मतलब है कि अगर साथ ही ना हो तो जीवन में स्वाद नहीं होता। तो क्या स्वाद के लिए किसी रास्ते चलते का हाथ पकड़ लूं क्या? ये कौन कहता है? देखो तुम हमारा हाथ पकड़ लो, हम चारों भाई एकदम शुद्ध कुंवारे हैं, हमारा बाप है, घर है, बैंक बैलेंस है और एक ऑटो रिक्शा भी है। हाँ। मुझे मालूम है कमीनो, इसीलिए तो लड़की बन के आया हूँ। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ मैं अकेली हूँ और तुम लोग चार मेरी जन्म कुंडली बिगाड़ोगे क्या? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरी जान, हम तुम्हें रानी बना कर रखेंगे। हाँ पहले अपने माँ बाप से तो मिलवाओ ताकि पता तो चले तुम्हारा खानदान कितना घटिया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे तसल्ली तो हो जाए, तुम तो कहते हो कि तुम लोग चारों भाई हो, तुम लोगों की शक्लें आपस में एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं? चारों चार पार्टी के लगते हो। अरे चल ना, चल के देख, हम सब एक पार्टी के हैं। देख देख, हमारे बाप का नाम है केशव बापू दरवाजा, चल मिलवाते हैं। चल चले, चल चलो। कहलाए बापू 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 बापू। लड़की, अरे कमबख्तो, ये सामान खरीदते खरीदते लड़की कहाँ से खरीद लाए? ले देख। नहीं बापू, हम इसे खरीद कर नहीं लाए बापू, ये तो हमें सड़क पे मिली है। हाय रे कलजुग, अब ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें सड़क पर मिलने लगी, ले देखे। बापू इसे सहारा चाहिए। हा? अपनी बहू बना लो। अच्छा, ओ तुम हमारे लिए बहू लाए हो। बापू कहो, बहू कहो, तुम्हें हमारे लड़के पसंद है? ले देखे। इन सब चुसे हुए आमों से ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। क्या कह रही हो? कसम से हमारा हार्ट फेल हो जाएगा ले देखे। ये आपकी होने वाली बहू है? तो तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम्हारी तरफ इस तरह देखना भी हमारे लिए पाप है। कहो कहो, तुम किससे शादी करोगी ले देके? बापू ब,
बड़ा मैं हूँ। तो क्या हुआ, शादी नसीब से होती है भैया, छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता। एक कुर्सी तू चुप रहे। देखो भैया, चार भाइयों का हक बराबर बराबर है। खामोश कमबख्तो, एक लड़की के लिए तुम लोग आपस में मारकाट करोगे ले देके? तू बोल, तू बोल, तू किससे शादी करेगी ले देके? जो पूरी तरह मर्द हो और मुझसे पूरी तरह प्यार करे। लेकिन इसका फैसला कैसे करोगी कि इनमें से कौन सा पूरा मर्द है ले देके? मैं टेस्टिंग लूंगी। वो कैसे? सीधी सी बात है, जो यहाँ से पैदल जवेरी बाजार जाएगा और वहां से मेरे लिए पागेब लेके आएगा और सबसे पहले मेरे पैरों में पहनाएगा, मैं उसी की हो जाऊंगी। मैं तो चला जवेरी बाजार। अरे अरे, वही खड़ी रहोगी क्या ले दे के? आओ ना, आ जाओ, आ जाओ ले दे के। दरवाजा बंद, मेरे लड़के भी एक नंबर के औरत बाजल ले दे के। क्या हुआ, ये फल कहां से आया? ये सबर का फल है, मीठा है, खाओगे? ले दे के। क्या रे, सेब खाएगा? नहीं, ये ले। रिक्शा खाया ना, मीठा लगा तेरे को? हाँ, क्या क्या लगवाएगा मुझसे? अंगूठा लगवाएगा, हाथ लेगा, अभी देख मैं तेरा क्या क्या लेता हूँ। अरे कौन है रे तू, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ले दे के? बटन लगा। अबे अरे अरे, अरे मेरी माँ मार डालेगी क्या मुझे? मार डालेगी, मार डालूंगा, पहचाना? अरे तू, मेरी रिक्शा 35,000 की थी ना, 1,000 दिया, बाकी 34,000 रुपए निकाल। 34,000 यार मेरे पास निकाल, रिक्शा के निकाल। अरे नहीं है, मेरे पास बोला ना। ले दे के सिर्फ 10,000 ही रह गए। वैसे बाकी बाकी के बाद में हरामजादे, ले दे के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाई बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। अरे तुम लोगों को क्या बीमारी है यार? बीमारी हम लोगों को नहीं, हमारे बाप को है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ना वो उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, कल से उल्टे पड़े हैं। उल्टे पड़े हैं? हाँ, लगता है तुम्हारे बाप को लफड़झंडी बीमारी है। लफड़झंडी? वाह, बापू ने भी क्या बीमारी पाई है, लफड़झंडे। अब मैं एक ग्लैमरस विजिट के लिए श्रीदेवी के घर जा रहा हूँ। श्रीदेवी के घर जा रहे हैं? क्या वो भी उल्टी पड़ी है? नहीं नहीं नहीं, उनका कुत्ता उल्टा पड़ा हुआ है, अमृत पुरी ने उसकी टांगे तोड़ दी है। तो क्या हमारा बाप श्रीदेवी के कुत्ते से भी क्या गुजरा है? हो सकता है भाई, हमारे घर चलिए। हाँ, हमारे बाप की हड्डी टूट गई है। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपको डबल फीस देंगे। डबल फीस? हाँ, चलिए डॉक्टर, चलिए, ठीक है, चलिए, चलिए, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर। हेलो डॉक्टर साहब, ये देखिए बापू, ये देखिए बापू कैसे उल्टे पड़े हैं। डॉक्टर साहब, बापू, बापू डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे बदन के सारे जोड़, सारी गांठें टूट गई हैं ले देके। मतलब हड्डियां और पसलियां अभी तक बाकी? क्या सोच रहे हो डॉक्टर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये टूटी कैसे हैं? टूटी नहीं, टूटी नहीं डॉक्टर, ये तोड़ी गई है। अरे भाई, तोड़ी गई है तो जोड़ दी जाएंगी। ये सब आप ही के बेटे? हाँ, क्यों, आपको कोई शक है ले दे के? शक की बात नहीं है भाई, देखो बेटे जायज हो ना जायज हो, बेटे तो बेटे ही होते हैं। खैर, इनसे मुझे कुछ मंगाना है। तुम एक काम करो, भिंडी बाजार पायदुली में एक दवाखाना है, नो रिलीफ, तुम वहां से एक घोड़े का सुआ ले आओ। घोड़े का सुआ? घोड़े का सुआ। और तुम भिवंडी से एक बोतल तेजाब ले आना, वो तुम्हें देखते दे देगा। तुम चूना भट्टी से 3 किलो चूना और 3.5 किलो गुड़ काला, और तुम उधर है, उधर हाँ,
तुम लोहार चाल से एक हथौड़ा लिया। हाँ, हाँ? वेरी गुड डॉक्टर, हथौड़ा? हाँ? अरे तुम डॉक्टर हो या कुछ और? घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज हकीमी नुस्खे से करने वाला हूँ। चूने की और तेजाब की हड्डी बनाकर हथौड़े से फिट कर दूंगा। अच्छा अच्छा, करो डॉक्टर, करो करो करो। अरे मुझे उठना है। हाँ उठा दूंगा, तुम लोग जाओ भाई, मुझे तुम्हारे बाप को उठाना है। चलो चलो चलो, चलो जल्दी जाओ, लेकर आओ, जल्दी लाओ ले दे के। अरे तुम कहाँ चले ले दे के? ये कमरा बंद करके कौन सा इलाज करोगे डॉक्टर? इलाज नहीं, डंडा मसाज। 35,000 की रिक्शा थी, बुढ़ो 11,000 दिए, बाकी 24 तेरा बाप देगा। हराम जादे, ऐसा मसाज करूंगा कि ढूंढते ही रह जाओगे रिक्शा वाला उस साले। बार रखा है साले, बोल। बता दो। ये मेरे पास में ले दे के 10,000 ही रह गए बस। भागते भूत की लुंगी सही, कमीने कुत्ते। बालक, तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही है कि तुम्हारा जन्म तुम्हारे माँ बाप की गलती से हो गया है। आप ठीक कह रहे बाबा, मेरे माँ बाप ने मुझे दिल से पैदा नहीं किया। बेटा, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो एक काम करो, अपने माँ बाप के नाम पे गुंडों को सुपारी दे दो। जब तक वो जिंदा रहेंगे तुम बहुत कष्ट में आओगे, हो सकता है जेल में भी जाओगे। इसका मतलब मेरे माँ बाप मुझे ही लुटकाना चाहते? सत्य है, निकालो 5 रुपया। 5 रुपए क्या बाबा, 10 रुपए ले लो, आपने मेरी आंखें खोल दी। बाबा, आप और क्या क्या बताते हो? सब कुछ, नफा नुकसान, शादी तलाक, जीवन मरण, दोस्ती दुश्मनी, क्या जानना चाहते हो बालक? दुश्मनी पंडित, एक आदमी मुझको सता रहा है। तुझको सता रहा है या तेरे बाप को सता रहा है? आपको मालूम है? हमें नहीं मालूम, तो किसको मालूम है बालक? तो बताओ बाबा, बताओ कौन है हरामज़ादा जो हमारे पूज्य पिताजी की हड्डियाँ किस्तों में तोड़ रहा है? अरे कमीनो, इतने अंधे तो अंधे भी नहीं होते, ये तीसरी बार हड्डियाँ तोड़ने के लिए तुम ले जा रहे हो मुझे? बताओ बाबा बताओ। देखो बालक, इसके लिए मुझे तुम्हारे बाप की हस्तरेखा देखनी पड़ेगी। तो फिर चलो बाबा, चलो 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 चलो, ये बाहर पकड़ो। पापू, हम अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए जोशी लाए हैं। अच्छा, ये शाबाश शाबाश। क्या हुआ पापू? अरे बेटे बेटे, मुझे इस ज्योति जी के चेहरे में अपने दुश्मन का भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है ले देखे। घबराओ नहीं, तुम्हारे बापू की छाती पर शनि मंडरा रहा है, इस कारण बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप ठीक कहते हैं। नहीं बालक, मेरा नाम ज्योतिषी तकदीर बदलू है, मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूँ। हाँ बापू, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अरे बेटो याद कर लो, अरे उस डॉक्टर ने भी यही कहा था, लेकिन मेरी हड्डियाँ जोड़ने के बजाय बची कुची भी तोड़ के चला गया। बालक शंका कर रहे हो, शंका करो परंतु लघु नहीं। इस वक्त तुम्हारी रगो में रक्त नहीं दौड़ रहा है, भय दौड़ रहा है। भय? क्या कहा? भय भय? बालक, इस समय तुम्हारा वाहन चालक दुश्मन अंधेरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कैंटीन में चाय पी रहा है। जल्दी तुरंत 10 मिनट में नहीं पकड़ा उसको तो विराट ट्रेन पकड़कर वो फरार हो जाएगा। तुरंत पकड़ो जल्दी। अरे बेटो, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटो। चिल्ला मत भैया, रेल निकल गई तो खेल बिगड़ जाएगा। अरे महाराज, आपको क्या पता इनके चले जाने के बाद कितनी पिटाई होती है मेरी। इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है कि मुझे तो मुरली वाले में भी वो रिक्शे वाला दिखाई देने लगा है। ले देखे बालक, यहाँ एक डंडा हुआ करता था। क्या हुआ? मत याद दिलाओ मुझे उस मनहूस डंडे की, मैंने उसे छुपा कर रखा है। कहाँ छुपा कर रखा है? यहाँ पे, किसी को बताना नहीं है। अच्छा,
पालक यहाँ छुपाना बहुत गड़बड़ है, तुम्हारी राशि के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ लाओ, उस पर एक मंत्र फूंक देता हूँ, ये काम ही नहीं करेगा। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, कहीं वो वाहन चालक आ गया तो। चिंता नहीं करो, बंद कर दो, बंद कर दो। अरे कहीं वापस आ गया तो बता रही, और क्या क्या तोड़ेगा। नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं देख, कह देता हूँ मारना नहीं, देख ले मारना नहीं। अरे मार रहा है, मार रहा है, देख ले मार रहा है। अरे बचा ले, अरे माफ कर दे, मेरे माफ कर दे। ये ले 10,000, जा जा। मेरी ऑटो 35,000 की थी, 4,000 रह गए। अब मुझे माफ कर दे मेरे बाप। अब तो सीधा पुलिस स्टेशन जा। पंकिया क्या भाई, कहाँ जा रहा है? अरे यार पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों यार, मेरी स्कूटर चोरी हो गई यार। अरे तो चौकी क्यों जा रहा है? सीधा चोर के घर में जाना है। जानता हूँ चोर को मैं, किधर है? वर्सवा गैरेज, केशव बापू दरवाजा। ऐसा? केशव बापू दरवाजा बोलना, रिक्शा वाले ने भेजा है, नाम बोलना नहीं। तू केशव बापू दरवाजा। हाँ बापू दरवाजा। बेटो क्या बात है बापू? गैराज की तरफ से दुश्मन की आवाज आई है। दुश्मन की आवाज? जाओ अपने अपने हथियार उठा लो, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, जाओ। चलो आगे बढ़ो, यलगार हो, आक्रमण हो, हमला हो। आए बापू दरवाजा। कौन है बे? बापू दरवाजा। क्यों बे, सांड की तरह क्यों चिल्ला रहा है? मेरी स्कूटर चोरी हो गई है। अबे तेरी स्कूटर चोरी हो गई तो हमारे बापू का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा तो तुम ही उस चोर के पिल्ले? क्या कहा बे? ए सीधी तरह से मेरा स्कूटर दे दे वरना। नहीं तो क्या करेगा है? ए छपरे वरना क्या उखाड़ लेगा तू? ए आवाज नहीं करने का, अब उनको रिक्शे वाले ने भेजेला क्या? तू ऊपर से मार 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 मार। मैं समझ गया, तू बड़ा बेशरम है, डंडे से बाहर नहीं आएगा तू। नहीं डंडा है भी नहीं, मार मार मार। तेरे घर में बहुत कुछ है, एक मिनट ठहरा। मत मार, मत मार मेरे बाप, मत मार। तेरे को जो चाहिए तू लेके जा। अब मेरे पेपर, तेरे पेपर मेरे 4,000 बैलेंस के ले ले, ले ले और मुझे बख्श दे मेरे बाप। रातों में सुनसान रहो पर हमें अपने गले में सब खोर की और खुजली वाले कुत्ते में शेर होते हैं। तो मैं अपने गले साले जबरन नोच लूंगा। हा कौन है ये आरामजादा, क्यों चिल्ला रहा है ये? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप के बाप लगते हैं और नाम है तारा शाह, और उसके बाप का नाम था बद्रुद्दीन शाह, और उसके बाप का बाप था शहनशाह। हा दो नाजुक हो तुम तो। जानी हमने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए भड़का तो दिया, अब हमसे लड़ने के लिए नीचे नहीं आओगे। अब तू नीचे उतरता है या हम ऊपर आएं? हरामजादे तुझे यहाँ तेरी मौत खींच कर लाई है। माफ करना मेरे दुश्मन, मौत किसी को खींचती नहीं, जगह पर ही लुढ़का देती है। खींचने वाले तो वो दूसरे चार होते हैं जो शमशान घाट पहुंचाते हैं, हम उन्हीं चारों में से एक हैं जो तुम्हारे लिए ये अर्थी और ये मटकी लाए हैं। नीचे आओ, पकड़ लो हरामजादे को, खत्म कर दो साले को, जाओ। Thank you.
आज मैं तेरे पे ऐसा वार करेगा ना जो ना तू डॉक्टरों को दिखा सकता है ना पुलिस को, सिर्फ एक आईना पीछे रख के आगे से फूंक मारता रहेगा। आजा मेरे पीछे अंदर अंदर आजा, आजा साले अंदर अंदर अंदर, जल्दी निकल, अबे जल्दी निकल, डर मरना हो कुत्ते की मौत तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, आ जाना। आगे आगे आगे, तूने किसी आदमी को मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा है? ओ वो अभी तो बता अभी। हाँ। अरे मुकद्दर का सिकंदर गाना गाते गाते यहाँ चला गया, जाओ इधर, जाओ 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 इधर, गया कसम से।